एक घोटाले की खबर आई, और घोटाले की खबर ये होती है कि कंपटीटिव बिडिंग, यानी जब भी कोई सामान खरीदो तो एक नियम होता है, पूरी दुनिया में होता है, भारत में भी है, या कोई भी ठेका दो तो आप 3-4 लोगों 5 लोगों से टेंडर मंगवाइए, उनसे बोलिए भी आपका ऑफ़र क्या है, और जब उन सारे ऑफ़र्स के अंदर से जो सबसे अच्छा ऑफ़र हो उस ऑफ़र को आपको पास करना है। श्रीलंका में भी ये कानून था, श्रीलंका की सरकार ने इस कानून को ख़त्म कर दिया। जब इस कानून को ख़त्म किया तो इसकी जाँच हुई, वो भी खास तौर पर जब ये पूरा उठापटक हुआ तो उसके बाद जाँच हुई। जांच हुई तो संसदीय समिति के अंदर लोगों की गवाहें हो रही थी, गवाहियां हो रही थी, उन गवाहियों के बीच में ये सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यानी श्रीलंका का जो बिजली विभाग है उसका जो चीफ है उसको बुलाया गया वहाँ इंक्वायरी के लिए। उसका नाम था MMC फर्डिनेंडो। तो फर्डिनेंडो साहब जो है उनको बुलाया गया, वो वहाँ पर गए गवाही में, तो उनसे पूछा कि भाई मामला क्या है ये पवन ऊर्जा के ठेके का। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि मुझे राष्ट्रपति जी ने बुलाया था, और राष्ट्रपति जी ने मुझसे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मुझ पर बहुत सारा दबाव बना रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप अडानी को ठेका दे दो, जो पवन ऊर्जा का ठेका होता है ना, जो घूमते रहते पंखे जैसे खड़े होकर बहुत सारे, उससे बिजली बनती है हवा के बहाव से, उसका ठेका दे दो। और उस ठेके को देने में बहुत सारी ज़मीन श्रीलंका की मिलनी थी, बहुत सारा पैसा मिलना था, उस ठेके के अंदर जो बिजली ऑलरेडी श्रीलंका खरीदता है उससे कई गुना दाम में उन्हीं अडानी से बिजली खरीदनी थी। तो इसको लेकर जांच चल रही थी। तो वो जो जांच में जब फर्डिनेंडो साहब गए, तो फर्डिनेंडो साहब ने जाके वहाँ गवाही दी। जब गवाही दी तो श्रीलंका का पूरा सिस्टम उनके खिलाफ हो गया, उनके पीछे लग गया। कहा जा रहा है कि दिल्ली से दबाव गया कि भाई साहब आप हमारी बदनामी करा रहे हो, चुप कराओ उस आदमी को। 2 दिन तक फर्डिनेंडो साहब इधर उधर छिपते रहे, और आखिर में उन्होंने कहा मेरी कोई गलती नहीं है जी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने जो कहा उसको खारिज मानो, रद्द मानो, वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी गवाही में फर्डिनेंडो साहब ने एक जिक्र कर दिया था, और वो जिक्र उन्होंने ये किया था कि साहब मोदी साहब का जो प्रेशर आ रहा था राष्ट्रपति जी पे, उस प्रेशर के बाद राष्ट्रपति जी मुझसे कह रहे थे कि इनको ठेका दे दो, तो मैंने कहा ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरी इसमें नहीं चलेगी, मुझे अधिकार नहीं है, ये काम तो फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। तो उन्होंने श्रीलंका में फाइनेंस सेक्रेटरी जो था, वित्त सचिव, उसको एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि राष्ट्रपति जी चाहते हैं कि ऐसे ऐसे ठेका अडानी को दे दिया जाए, और उस चिट्ठी के आधार पर ही आगे ये ठेका दिया गया था। तो वो मुकर तो गए, लेकिन चिट्ठी का मसला आ गया। तो वो चिट्ठी जो है वो बाहर आ गई मार्केट में लीक होके। हमने भी अपने कम्युनिटी टैब में आपको दिखाया था वो चिट्ठी, अभी भी पड़ी होगी, कि कैसे ये चिट्ठी फर्डिनेंडो साहब ने लिखी थी और कहा था, यानी कि बैक डेट में कागज पे एक चीज़ एंटर हुई है कि भारत के प्रधानमंत्री का दबाव था, राष्ट्रपति पे दबाव था, और अडानी को बिजली घर का ठेका देने का दबाव था। ये कहानी आप जानते हैं क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं। लेकिन अब इसमें एक नई चीज़ आ गई है, वो फर्डिनेंडो साहब को नौकरी भी छोड़नी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा, और उसमें यह आया है कि भारत सरकार के दबाव में ही यह ठेका दिया गया था। ये लेटेस्ट है, वहां का एक अखबार है डेली FT, उस अखबार ने इसका खुलासा किया है, और उस अखबार में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। किसने? CEB ने। CEB कौन सा? सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसके वो चेयरमैन थे, जहां से उनको हटा दिया गया, उस संस्था ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा है कि भारत सरकार के अनुरोध और सिफारिश पर अडानी ग्रीन एनर्जी के एक प्रस्ताव पर श्रीलंका सरकार ने अमल किया। भारत सरकार ने कहा था, इसलिए अडानी के प्रस्ताव पे श्रीलंका की सरकार ने अमल किया है, जिसमें अडानी ग्रुप को सरकार की नीति की मंजूरी दी गई, और ये भी कहा गया कि मन्नार और पुनरिन में AGEL को पावर प्रोजेक्ट आवंटित करने के लिए तत्कालीन CEB अध्यक्ष फर्डिनेंडो ने, तो ये साफ साफ कहा गया है। और इसके साथ में अगर आपको वो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है उनका शब्दशः, वो मैं यहाँ साइड में लगा रहा हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं 2 मिनट मौन रख रहा हूँ अंग्रेजी में। तो अब ये हो गया स्पष्ट कि सरकारी विभाग ने भी अपना रिकॉर्ड किया स्ट्रेट, अपना रिकॉर्ड सही रखा भैया, कि हमारा कागज पत्रा ये कहता है कि भारत सरकार ने सिफारिश की थी और उनका दबाव आया था, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, और उनमें एक बात और कही जा रही है, और वो मांग बड़ी साफ है, वो ये कही जा रही है कि माना कि भारत ने श्रीलंका की आर्थिक मदद की, माना कि श्रीलंका ने हमको पैसे दिए मुसीबत में भारत ने, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि देश की बेशकीमती ज़मीन, देश का धन, और आगे के लिए महंगी बिजली खरीद 3 गुने दाम पे खरीदने का ठेका आप भारत सरकार के कहने पर गलत तरीके से दे दो। इस ठेके में सभी को समान अवसर देना चाहिए था, और जो सबसे अच्छी डील मिलती उसको ठेका देना चाहिए था। ये ऑब्जेक्शन आ रहा है।
लेकिन एक चीज और सोचिए जिस पे आपका दिमाग नहीं गया होगा लेकिन मेरा जा रहा है। क्या भारत किसी देश को सरकारी सहायता इसलिए देता है कि भारत की सरकार के नजदीक के कुछ लोगों को उस सहायता के बहाने आर्थिक लाभ करवाया जा सके? भारत के खजाने से हम श्रीलंका को पैसा इसलिए देते हैं कि अडानी जी को ठेका दिलवा पाएंगे? ये सोचने की बात है। और इस सारी चीजों के बीच में एक चीज बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है कि इस देश का मीडिया और उसका जमीर मर चुका है। इस खबर पर हंगामा हो जाना चाहिए था, बोफोर्स इसके सामने कुछ भी नहीं था, भारत के मीडिया ने हिला दिया था, क्योंकि मीडिया स्वतंत्र अनुभव करता था, पत्रकार भी स्वतंत्र मानसिकता के थे। अब तो नोट की चिप जो है उसको जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक और दिक्कत खड़ी हो जाती है कि हम निष्पक्ष खबरें लें तो कहां से लें? मेरा एक चैनल है, एक वीडियो रोज बनाता हूं, उतने में मैं कितनी खबरें आपको दे सकता हूं?